ये वो चर्च है जिसकी सोशल मीडिया पर ना बहुत ज्यादा वीडियो वायरल है कि देखा जा सकता है उस वीडियो में कि लोग किस तरह से इसे नजरे आतिश कर रहे हैं। तो आए हम अंदर जाके देखते हैं। और ऐसी मसीही वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को जरूर प्रेस करें। जी ये सल्वेशन आर्मी का चर्च है, उस नीचे पास्टर हाउस है, ठीक है ऊपर चर्च है। ये सल्वेशन आर्मी के जो पास्टर थे उनका ये पास्टर हाउस है, ठीक है। ये उनके कमरे देखें, इनको किस तरह से उन्होंने जला दिया है, ये देखें। अब इधर मैं आया तो मुझे अभी भी हीट महसूस हो रही है कि इस तरीके से उन्होंने इसे जला दिया है। ये साथ में रोड़े किचन है, ये वॉशरूम वगैरह है, ठीक है। ये सारा पास्टर हाउस का हाथा है। ये अब सल्वेशन आर्मी के ऊपर हाल है ना, उसके ऊपर जा रहा हूँ छत। ये इबादत का ये हाल है, ठीक है। ये चर्च का हाल है जिसमें इबादत की जाती है। तो देखें क्या हाल किया हुआ है, ये देखें दीवारों पर क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये देखो किसी ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है, यू कैन डिस्ट्रॉय बिल्डिंग बट यू कॉन्ट डिस्ट्रॉय चर्च जीसस इन अली, ठीक है। कि किस तरह से लोग अभी भी आकर अपनी मोहब्बत का, जो मसीही हैं वो आकर अपनी मोहब्बत का जज्बा दिखा रहे हैं, ठीक है। ये सारा देखे चर्च का क्या हाल हुआ, ये सब कुछ हमारे मसीही बहन भाइयों ने लिखा है आकर बाद में। और ये नीचे साथ में रोड है, ठीक है। ये देखें ये साथ हाल है, और हाल के साथ ये देखें अभी भी आग सुलग रही है, ठीक है। उसमें देखें धुआं निकल रहा है, इतनी हीट है यहाँ पर। ये कमरे साथ हाल के, ये हमें अंकल जी मिले हैं, ठीक है। ये हमें चर्च की हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे, तो हम मजीद इनसे पूछेंगे कि चर्च कब से ये बना हुआ है, कितना इसका नुकसान हुआ है, ठीक है, कितने लोग यहाँ पर रहते थे, ठीक है। सारी हम बातें इनसे पूछेंगे क्योंकि ये यहाँ के रहायशी है, ये यहाँ के क्रिश्चियन हैं, ये हमें अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं, ये बता सकते हैं। तो अंकल जी सबसे पहले ये बताएं कि ये चर्च कब से यहाँ पर बना हुआ है। ये सन 47 में पहला था बनाया जी, अंग्रेजी दौर, मतलब कि ये ब्रिटिश हुकूमत का बना हुआ है। तो इस चर्च तक कितना आपके साथ है, कितना नुकसान हुआ होगा, कितने करोड़ का नुकसान हुआ है? 1 करोड़ का नुकसान जी। ये ए सी सी सौर सी 3-4 लाख का कुर्सियाँ सी, बड़ा कुछ डबल सौर सी, ते बड़ा नुकसान होया। 8 लाख रुपये का जनरेटर सी, बड़ा जनरेटर सी वड्डा जी, यानी कि बड़ा नुकसान किया जैसे। और ये
मेजर हाउस है उत्ते दफ्तर भी जिधर दी पादरियां ने बाहर देखने से उन्हें ट्रांसफरेंस सबूत आ गए जी जी तेरा खावा बन गया जी जी कैप्टन साहब का कप्तान जी उत्ते जा रहे थे जी जी तो इस इलाके में ठीक है ये कहाँ पर मौजूद है ये भी आप बता दें ये समझ लो शहर नहीं चलने जिन्ना का शहर ये 127 127 सी शहर सारा 127 ही बन गया ठीक है तो यहाँ पर कितनी आबादी है पुलिस बड़ी है तो अब जुमे रात है कल को परसों को फिर संडे तो इबादत नहीं आप करेंगे सर नहीं कि जैसे पहले अच्छे तरीके से करते थे साउंड कलाकर वैसे तो नहीं हो सकता ऊपर वाला हिस्सा जज पादरी साहब का घर सी मेजर साहब का पादरी ने बार बार पिंडा पुना चाहिए ट्रांसफर बेसिकली पहलों की हेडक्वार्टर ये फिर आ साल तो हेडक्वार्टर जी बंद हो गया हेडक्वार्टर में फैसलाबाद बन गया इतने फिर कैप्टन साहब मेजर साहब रहन जी हाँ जी तो नाज़रीन देखे कह रहे कि बेशक उन्होंने उसको जला दिया है जो मर्जी कर दिया है हम आज भी इबादत करेंगे जो संडे को आबादत होती उस दिन भी हम इबादत करेंगे ठीक है तो देखे कि हमारे उन्होंने जो मर्जी कर ले पर हमारे दिलों में जो मसीह की मोहब्बत है जो मसीह के लिए जज्बा है उसे वो ख़त्म नहीं कर सकेंगे चाहे वो जो मर्जी हमारे घरों को जलाए ठीक है हमारी आबाद गाहों को जला दे पर जो हमारे दिल में मसीह की मोहब्बत है उसे वो कभी भी नहीं मिटा सकेंगे बस्तियां भी साड़ दित्तियां ये तुसीं ना बस्तियां साड़ियां लुटमार सारे नाल ज्यादा कीती किसे घरां दे विच आटा तिकर नहीं उन्होंने छड्डिया हैगा वह भी लै गए ने एडे लटेरे लोग ने माफी इन्हां दे दिलां दे विच किसे लई नहीं हैगी लेकिन साडे मजहब दे विच सारिआं साडा कोई नुकसान भी कर दे ते अहीं माफ असीं माफ कर दे जी साडे खुदा ने कहा सी इन्हां लोकां नूं माफ करे जी तो ये देखे के जो कुछ तो सामान जल गया ठीक है तो कुछ उठा कर ले गए सारा कुछ उठा कर ले गए एक करोड़ रुपए तो ज्यादा हो एक करोड़ तो ज्यादा ये चर्च मेन ये मेन चर्च है इधर का ये जड़ा तो मेन दिल है ये सब तो पहलो चरच ही है पूरे जड़ा ये फर्स्ट ब्रिटिश हुकूमत का ये चर्च बनाया हुआ है ठीक है सबसे पहला जड़ा वर्ग का यही चर्च दूसरे चौंक मंदिर फिर सब तो पहले वो अभी भी है हाँ जी है गुरुद्वारा मंदिर सब कुछ है दोनों नुकसान इस चर्च को ही पहुंचाया सारे चिल्लर ला के सारा कुछ ला के पहले लुट मार की फिर उन्हें लिया के ट्रैक्टर तोड़िया हर चीज का उन्होंने नुकसान किया एडे जालम लोग मैं तो हमेशा ही कहंगा भी जालम लोग ने इन्हां दे विच कोई मोहब्बत नहीं है जी किसी दे विच कोई पाकिस्तान सानूं तो सब ये जो चर्च है सलवेशन आर्मी उसकी बैक साइड है ये देखे किस तरह से इसका नुकसान इसको पहुंचाया हुआ है अंदर सारे कमरे भी पास्टर हाउस ऊपर हॉल भी बहुत बुरी तरह से उन्होंने बुरा हाल किया ऐसे उन्होंने इतना इस पर धावा बोला कि जैसे खंडर बना कर रख दिया है ठीक है करोड़ों का कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है यहाँ पर और ये भी बताया जा रहा है कि ये 1947 से पहले का चर्च ये अंग्रेज़ों ने यहाँ पर इस चर्च को बनवाया था ये देखिए बाहर का हाल है